नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कल होगा। सूबों ने सिफारिशें तैयार कर ली हैं। पंजाब मजीद 10 दिन के लिए लॉकडाउन की तजवीज पेश करेगा। सिंध लॉकडाउन में मजीद सख्ती का ख्वाहिशमंद है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें चारों सूबों के वुज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। इजलास में वफाकी वुज़रा, आला अस्करी हुकाम, मुआमिनीन और चेयरमैन NDMA शरीक होंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब लॉकडाउन के हवाले से 3 ऑप्शंस कौमी राबता कमेटी में पेश करेगा। पंजाब मजीद 10 दिन के लिए लॉकडाउन के इकदामात को जारी रखने की तजवीज़ देगा। पंजाब कुछ कारोबारी इदारों को एहतियाती तदाबीर के साथ मखसूस औकात में काम की इजाजत की तजवीज़ पेश करेगा। पंजाब कोरोना के मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी जारी रखने की तजवीज़ देगा। ज़राए के मुताबिक सिंध लॉकडाउन में मजीद सख्ती का ख्वाहिशमंद है। बलोचिस्तान और KPK ने भी सिफारिशात तैयार कर ली। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इत्तफाक राय से सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा लाहे अमल तय करेगी। मोमिन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा शुरका को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन NDMA शुरका को हिफाजती इकदामात और सामान की तरसील पर ब्रीफिंग देंगे। वज़राए आला सूबों की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती करने के हवाले से मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। गरीबों के रिलीफ के लिए उठाए गए इकदामात का भी जायजा लिया जाएगा।